जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज बनाते हैं पराठों का एक बाप यानी कि पराठों का सरदार। इतना मल्टीलेयर बड़ा जबरदस्त बड़ा ही खस्ता पराठा है और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे। और अगर आपने अभी मेरी पराठों की रेसिपीज नहीं देखी तो लिंक ऊपर डाल दूंगी, वो भी देखिएगा। और इससे पहले के शुरू करें रेसिपी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, एक और बात बहुत अहम है कि इस रेसिपी के लिए 1000 लाइक्स और 50 कॉमेंट्स आपने पूरे करवाने हैं। टारगेट रखते हैं और देखते हैं कितना अचीव कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, झटपट आटा गूंद लेते हैं जो कि बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपने 2 कप मैदा ऐड कर लेना है और उसके बाद जी आपने नमक आपके टेस्ट के मुताबिक होगा, बहुत ही आसान है ये। वैसे मैंने इस हिसाब से 2 टीस्पून ऐड किया नमक, ठीक है। उसके बाद जो अहम चीज़ और बड़ी ही अहम चीज़ आएगी वो है 2 टेबलस्पून देसी घी, जो कि देसी घी ही आएगा, लेकिन आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद जी हमने अच्छे से पहले घी को मिक्स करना है। घी कोशिश कीजिए थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में ही हो, वरना वो गुठलियाँ बन जाएंगी, गुठलियों वाला ऐड करेंगे या फिर रूम टेम्परेचर ऐड कीजिएगा, वरना आटे में बन गई तो फिर आपको मसला होगा रोटियाँ बनाते हुए, ठीक है। उसके बाद जी अच्छे से कर लिया हमने मिक्स। यहाँ पे अच्छे से घी मिक्स होना बहुत ज़रूरी है और जब दबाएंगे तो सारा आटा जुड़ जाएगा, इसका मतलब है ये अच्छे से हो चुका है। उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ, क्योंकि आजकल गर्मी है तो आपने नॉर्मल पानी के साथ इसको गूंद देना, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। डो को हमने हार्ड वाली साइड पे रखना है, क्योंकि जब ये बन गई तो उसके बाद हमने रेस्ट देनी है, तब ये नरम हो जाएगी। तो इसलिए बड़े आराम से आपने अच्छे से गूंद लेना है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जस्ट ऐसे ही मिक्स करके रख लें, लेकिन थोड़ा सा गूंद दें तो बड़ा अच्छा रहता है और आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट और बड़ा अच्छा सा हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, अब जी इसको 10 मिनट रेस्ट देनी है। देखें इसकी कुछ इस तरह की शक्ल हो चुकी है आटे की, ठीक है, कितना अच्छा सा हो चुका है, कोई हाथों की सच्ची पक नहीं रहा। और अब जी चलते हैं, 10 मिनट रेस्ट हो चुकी है, अब चलते हैं इसके बॉल्स बनाने की तरफ। तो इस आटे के टोटल बन जाएंगे 3 बॉल्स, जो कि हम जल्दी से बना के रख लेते हैं। ये वाला पराठा ऐसा है ना, बस आप लोग एक दफ़ा खा लो तो आपने फिर सारी ज़िंदगी इसी पराठे के नाम कर देनी है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखें जी, बॉल्स हो चुके हैं तैयार। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आगे बहुत अहम स्टेप शुरू होते हैं, इसलिए आपने स्किप नहीं करना, वरना पराठा जो है वो आपका मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए अब हमने इसको लंबा सा बेल लेना, जितना लंबा हो सकता है, बहुत पतला इसको बेलना है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आपने इसको कर लेना है। अगर आप आटे वाला कर रहे हैं तो वहाँ वो इस पॉइंट पे थोड़ा सा टूट फूट जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैदे से कर लें तो सही रहेगा। यहाँ पे देखें जी, इतना पतला है कि मेरे हाथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब ये एक हो चुका है, अब इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल या देसी घी। मैंने देसी घी मेल्ट करके लगा दिया। अब ये वाले पराठे ऐसे एक तो मज़ेदार इतने होते हैं और ऊपर से आप अपने बच्चों को इस तरह से देसी घी भी खिला सकते हैं, वरना वैसे बच्चे आजकल कहाँ खाते हैं। और यहाँ पे ऊपर आटा डस्ट करके हमने इसको साइड पे रख दिया। मैंने ना यहाँ पे एक मेरे पास छाबा, पंजाबी में इसको कहते हैं, आप लोग जो भी कहते हैं वो मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैंने रख लिया। ट्रे के ऊपर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने तीनों एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं और उसके बाद जी नीचे काउंटर पर रख लेने हैं। अब हमने क्या करना है, एक साइड उठा के आधी बंद करेंगे। ये वाला स्टेप बहुत अहम है और है भी बहुत सिंपल। दूसरी साइड हमने कुछ इस तरह से बंद करनी है और इसके ऊपर फिर से हमने लगा लेना है ऑयल या घी, ठीक है। अब सारे के ऊपर लगा दिया, अब आटा डस्ट करेंगे फिर से और फिर से फोल्ड करेंगे। अब आपने क्या करना है कि हाथों से थोड़ा थोड़ा सा दबा के फिर ऑयल और आटा डस्ट करके फिर से एक और लेयर बंद करनी है इस तरह से। और अब जी हमने क्या करना है, अच्छे से बंद हो चुका, अब हमने कोई से भी छुरी लेके या जो भी चीज़ आपके पास हो उसके साथ इसको दरमियान में से कट कर लेना है। और 2 लेयर्स हो चुकी हैं यहाँ पे और लेयर्स इस तरह से अब आपको नज़र आ रही होंगी। अब आपने बस इनको फोल्ड करना है और फोल्ड की एंडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड पे जो बच जाए आपने उंगली से थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसको साथ चिपका दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये सारा आपस में चिपक जाएगा। आपने दोनों रोल का एक ही पराठा बनाना है, ठीक है। ये बहुत कम मेहनत में बड़ा ज़बरदस्त सा पराठा, और मज़े की बात यह है कि ये एक बंदा अकेला ये पराठा खा भी नहीं सकता, 2 मिलके खाएंगे, इसलिए आपकी बचत हो जाएगी वो वाली भी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप हाथों के साथ इसको दबा के लंबा कर लें, लेकिन मुझे बेलन के साथ थोड़ा सा इजी लगता है और टाइम सेविंग भी लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आप बटर पेपर लगा के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं पूरा महीना 1.5 महीना, कहीं नहीं जाते, ख़राब भी नहीं होते। तो आप इनको रख लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह से पराठा रोल बना लिया, कभी कुछ बना लिया, बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। अब जी बारी आती है इसको पकने की, फ्लेम लो रखना है, लो के ऊपर इसको बड़ी अच्छी तरह से 10-12 मिनट लगा के कुक करना है, वरना ये ना हो कि ये सारा अंदर से कच्चा रह जाए और ऊपर ऊपर से पक जाए, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ऑयल लगाते जाएं या घी लगाते जाएं और जी साइडें चेंज करते जाएं।
देखा कितनी खूबसूरती है, अभी अभी खूबसूरती आपको नजर आने वाली है। और अभी हमने इसको पकाते जाना है, पकाते जाना है। उसके बाद जी फिर से दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा के हमने साइड चेंज कर देनी है। और ये चेक करें आप लोग, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितना प्यारा पराठा बन गया, ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। अच्छी तरह से पकने देंगे, अभी और इसको पकाएंगे और उसके बाद जी निकालेंगे। यहाँ पे लेयर्स देखें, आपको खुद ही नज़र आ रही होंगी कैसे अलग अलग हैं। अब मैं आपको थोड़ा तोड़ फोड़ के दिखाई देती हूँ, फिर आप कहेंगे कि लेयर सही नहीं नज़र आई, तो मैं इसका सारा ऑपरेशन कर देती हूँ। अब आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कीजिएगा और मुझे ज़रूर टारगेट अचीव करवाइएगा। तो चलें जी, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।